नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग तकनीक पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी फसल के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं जिसका जो बीज होता है वो फ्री में मिलता है, जिसमें न कोई स्प्रे की ज़रूरत होती है और न ही कोई खाद डालने की ज़रूरत होती है। दोस्तों क्या आप ऐसी फसल के बारे में जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं स्वीट पोटैटो की, यानी कि शकरकंद की। दोस्तों हम आज हमारे स्वीट पोटैटो के प्लॉट पर है, आधा एकड़ का ये प्लॉट है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त जो है लगा हुआ है, लगभग 3 महीने का ये प्लॉट हो चुका है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि स्वीट पोटैटो के लिए सबसे पहले आपको खेत कैसे तैयार करना। दोस्तों इसके लिए खेत प्रिपेयर करने के लिए आप गहरी जुताई कर लें, 10 से 12 इंच की जुताई, क्योंकि ये भी एक कंदवर्गीय फसल है, ये ज़मीन के नीचे बनता है, तो गहरी जुताई करें। अगर प्लव से नहीं कर सकते हैं तो आप कल्टीवेटर से डबल जुताई, इसकी गहरी जुताई कर लें। इसके बाद में खेत को रोटावेटर से समतल कर लें। दोस्तों इसके बाद में अगर आप बेड्स बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है, इसकी खेती बेड्स पर या बेड्स बनाकर ड्रिप इरिगेशन से कर लें, या फिर हमने ये जो खेती कर रखी है समतल बनाने के बाद में समतल खेत में ही इसको लगाया गया है। और आप जैसे कि पीछे देख सकते हैं कि इरिगेशन के लिए हम स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है खेत मिट्टी जो है वो हार्ड ना हो दोस्तों, ताकि ये कंद जो है आसानी से नीचे बन सके। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसके लिए, जैसे मैंने कहा कि इसके लिए जो बीज होता है वो फ्री में मिलता है। दोस्तों बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि जहाँ भी हमारे आसपास कहीं भी किसान अगर लगाते हैं दोस्तों, तो इसका बीज जो होता है, जैसे मैं इसकी ये एक बेल, जैसे मैं इसकी कोई तोड़ लेता हूँ, ये जैसे ये बेल मैंने तोड़ ली, तो यही इसका बीज होता है दोस्तों। क्योंकि आपको अगर जैसे आपको भी ये अपने पूरे खेत में भी लगाना है तो दोस्तों इस टाइप की आपको ये बेल लगानी पड़ेंगी। तो या तो आप अपने घर पे कुछ जो शकरकंद है वो उगा लें, ये क्योंकि एक शकरकंद अच्छी तरीके से फैल जाता है दोस्तों, और ये लगभग जो है ये 4 से 6 इंच की आप इसके टुकड़े कर लें, और ये टुकड़े ही आपको लगाने होते हैं दोस्तों। तो ये बीज जो है दोस्तों फ्री में मिलता है आपको। दोस्तों अगर आप गोबर की खाद डाल सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं डाल सकते हैं तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब पहले और दूसरी बार खेती कर रहे हैं शकरकंद की तो आपको कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, ये जो भी है वो मिट्टी से ही सब कर लेता है दोस्तों। अगर आप डाल सकते हैं तो कुछ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा इसमें अवेलेबल करवा दें। दोस्तों सबसे पहले आप बात करते हैं कि ये किस सीज़न में लगाया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये बारिश में लगा सकते हैं, मतलब जून जुलाई के समय पे आप लगा सकते हैं, जिससे कि नवरात्रि को टारगेट करके अगर लगाएं तो कि नवरात्रि के पहले ये फल आ जाता है, तो इसकी ज़्यादा व्रत के समय में जो है, क्योंकि इसकी ज़्यादा मांग होती है, जिससे आपको अच्छे रेट मिल पाते हैं। और दूसरा जैसे हमने लगा रखा है दोस्तों, ये अक्टूबर में इसकी बुआई की गई है, तो ये जो है वो शिवरात्रि के पहले दोस्तों निकलता है, या उस वजह से हमको इसके अच्छे रेट्स मिल पाते हैं। दोस्तों ये समय इसके लिए बहुत उचित है। बारिश का जो शकरकंद होता है वो हमारे इतने कंट्रोल में नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो है इरिगेशन इतना प्रॉपर नहीं होता है, मतलब जो बारिश के अकॉर्डिंग होता है। और यहाँ इस समय में जो है हम इरिगेशन जो है प्रॉपरली 8 से 10 दिन में, मिट्टी की नमी जब भी कम होती दिखे तो उस समय हम इसकी इरिगेशन करते हैं दोस्तों, तो ये ज़्यादा बेहतर फसल बन पाती है। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी बुआई जो है वो कैसे करें। तो दोस्तों इसमें आपको जैसे हसिया या फिर कुदाली की सहायता से इस तरीके से ये बनाकर आप ये बेल ले लें, यही इसके बीज हैं दोस्तों। ये बेल जो है, जैसे आपने ये बेल ली, ये बेल के ऐसे टुकड़े कर लें 4 से 5 इंच के, और ये पार्ट हमको दिख रहा है दोस्तों, ये यहाँ पर जो है इसको, इस पार्ट को इसके अंदर कर दें और इसको दबा दें। यहाँ पर पहले मिट्टी के अंदर नमी बना लें, उसके बाद इसको दबा दें। इसी प्रकार से दोस्तों इसको जो है वो इस प्रकार से इसको लगाकर दबाते जाएं। इसमें ये जो पौधे से पौधे की डिस्टेंस है वो 1 फीट रखें, और इसमें जो रो से रो की डिस्टेंस है वो 2 फीट रखें दोस्तों। तो ये इसके लिए बहुत अच्छे उत्पादन के लिए बहुत बेहतर है। इसके बाद ये दोस्तों ये बेल यहाँ से चलना चालू हो जाती हैं, और ये प्लॉट जो है आप देख रहे हैं इस तरीके से आसानी से भर जाता है। दोस्तों इसमें बीमारियों का अटैक जो है वो
हमने तो दोस्तों इसकी खेती कर रहे हैं कभी नहीं देखा है। अगर होता भी है जैसे ये कुछ इल्लियाँ वगैरह कभी होती हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसको कंट्रोल कर लेता है। हमने इसमें कोई स्प्रे नहीं किया है दोस्तों और ना कोई इसमें फर्टिगेशन किया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये कितने समय की फसल है, कितने समय में ये परिपक्व हो जाती है। तो ये लगभग दोस्तों 4 महीने की फसल है, मतलब 120 दिन की फसल होती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसका प्रति एकड़ उत्पादन कितना लिया जा सकता है। तो दोस्तों लगभग इसका प्रति एकड़ उत्पादन 50 से 60 क्विंटल लिया जा सकता है, क्योंकि हमारा ये जो है लगभग आधा एकड़ का प्लॉट है जिसमें 25 क्विंटल प्लस में ही इसका उत्पादन हम लेते हैं। लास्ट ईयर भी हमने 25 क्विंटल प्लस में ही इसका उत्पादन लिया था। अभी अगले वीडियोस में दोस्तों आपको इसकी जानकारी भी हम जरूर देंगे कि इससे कितना उत्पादन निकला है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसकी खुदाई कैसे करें या फिर इसकी हार्वेस्टिंग कैसे हो। तो दोस्तों ये सारी जो बेल हैं उनको काट के बाहर निकाल लें, इसके बाद या तो कल्टीवेटर से सीधे इसमें कल्टीवेटर चला दें और शकरकंद जो है वो इकट्ठे करवा लें। ये सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, क्योंकि कल्टीवेटर आसानी से अवेलेबल होते हैं, आप इसमें चला दें और उसके बाद कंद को इकट्ठा करवा लें। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये शकरकंद जो होता है वो इसके रेट्स मार्केट में क्या मिल पाते हैं। तो दोस्तों ये जो सही समय है जैसे नवरात्रि के पहले और शिवरात्रि के पहले, ये दो सीज़न में जैसे जून जुलाई या फिर अक्टूबर की बुआई हो, तो लगभग जो है हमको 20 रुपये का एवरेज रेट इसमें मिल जाता है दोस्तों। तो लगभग एक एकड़ से 1 लाख की ये फसल जो है, अगर 50 क्विंटल भी होता है तो 1 लाख की फसल दोस्तों निकल जाती है दोस्तों। और 1 लाख जो होता है इसमें ना कोई हमने खाद डाला है और ना ही कोई दवाई का इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों इसका जो नेट प्रॉफिट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 90,000 रुपये होता है। तो दोस्तों बहुत अच्छी खेती है ये, आप भी कर सकते हैं। दोस्तों इसकी जब हार्वेस्टिंग होगी तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको इसके उत्पादन के बारे में जानकारी जरूर दूंगा। पर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके के जो भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं उनकी जानकारी आपको देते रहूँगा। दोस्तों आज की ये फसल की जानकारी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। क्या और भी कोई ऐसी फसलें हैं जो इतनी कम लागत वाली होती हैं जिनकी खेती करने से जो है किसान ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए।